स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। कौन है? अरुषि, 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 क्या हुआ वहां पे? कौन है? फोन? फोन तो लग ही नहीं रहा इसका। मैं क्या करूं? मैं, उसका एड्रेस भी नहीं है मेरे पास। रमन से पूछती, वही हेल्प कर पाएंगे। दोनों पेपर्स देखो। आरुषि, इन पेपर्स में साफ पता लग रहा है कि ये पेपर जो तुमने मुझे दिया था, ये अपॉइंटमेंट लेटर गलत है। किसी ने तो हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, जिसकी वजह से मेरी बहन ने अपनी जान गंवा दी। आरुषि, मैं तुमसे दरअसल बात करना चाह रही थी। मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ रही हूँ। मैं जानती हूँ इतना कुछ हुआ है, तुम खुद कंफ्यूज्ड होगी। वो सब समझने में, सुलझाने में वक्त लगेगा, लेकिन प्लीज तुम ये मत सोचना कि तुम अकेली हो। मैं रमन के ऑफिस आई हूँ अभी। आई एम श्योर वो कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। ठीक है, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, याद रखना इस बात को। ठीक है, कौन है? अरुषि, 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 क्या हुआ वहां पे? कौन है? लग ही नहीं रहा इसका। मैं क्या करूं? मैं, उसका एड्रेस भी नहीं है मेरे पास। रमन से पूछती, वही हेल्प कर पाएंगे। आदि, 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 प्लीज बात तो सुनो। आदि, क्या बदतमीजी? क्लाइंट से समय से बिहेव कर रहे हो। प्रोफेशनलिज्म की चीज है इन तुम्हें। सही कह रहे हो पापा, गलती मेरी है। मैंने थोड़ा सा रिएक्ट कर दिया तो आप लोगों को प्रॉब्लम होने लगी, और आप मुझे अनप्रोफेशनल कह रहे हो। अंदर आपने आपा का बिहेवियर नहीं देखा। आलिया को लेकर कितने बाइस हैं।
दिन रात मैंने इस प्रेजेंटेशन पे काम किया और उन्होंने सेलेक्ट किसका किया? आलिया का। आदि तुम जो भी सोच रहे हो वो गलत सोच रहे हो। अप्पा ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। आदि अप्पा ने मेरा प्रेजेंटेशन इसलिए सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि मैं उनकी बेटी हूँ, इसलिए किया है क्योंकि मेरा प्रेजेंटेशन तुमसे बेटर था और ये तुम चीज मान क्यों नहीं लेते। इनफैक्ट मैं इस प्रेजेंटेशन की सारी क्रेडिट तुम्हें देने वाली थी क्योंकि इसमें ज्यादा आइडियाज तुम्हारे थे, पर तुम्हें नेहा की हेल्प नहीं चाहिए थी। क्यों? बिकॉज तुम्हारी ईगो बीच में आ रही थी और मैंने नेहा की हेल्प ली, मुझे पता है वो इस चीज में बेस्ट है, इसलिए मेरा प्रेजेंटेशन सिलेक्ट हो गया। व्हाट इज माय फॉल्ट? हो गया अभी तुम्हारा। ये अपनी टिप्पणी है ना, अपने पास रखवा ले। हाँ बस, हमारे एम्प्लॉयज को हमारी कंपनी की पॉलिसी के अगेंस्ट जाने के लिए बोल रही हो और तुम मुझे ज्ञान दे रही हो। दादी नहीं बाबा, बस सर प्लीज, इसमें मैम की कोई गलती नहीं है। उन्होंने मेरे साथ काम इसलिए किया बिकॉज हम दोनों चाहते थे कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ हमारी कंपनी को मिले। नमन सर प्लीज, आदि सर को समझाइए ना कि मुझे वर्क फ्रॉम होम की परमिशन दे दे प्लीज। आदि नेहा इज गुड एट हर जॉब, उसे बात साबित करती है। अब तू भी बस थोड़ा सा शांति से सोच इस बारे में। नहीं बाबा, दिस इज नॉट डन। इन्होंने मेरे पीठ पीछे जाके ये काम किए और अगर कल को मैं कुछ बोलता हूँ इनको, इन्होंने वापस ये सब किया तो क्या मेरी क्या पोजीशन रह जाएगी इस कंपनी में? और मुझे तो ऐसा लगता है जानबूझकर मुझे नीचा दिखाने के लिए ये सब। आलिया बस, आलिया तेरी बीवी है, वो तुझे नीचा क्यों दिखाएगी? और ये ऑफिस के अंदर क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट्स के सामने मुझे झगड़े नहीं चाहिए, समझा तू? इनफ ऑफ दिस नॉनसेंस। और नेहा, तुम्हारे प्रपोजल के बारे में सोचने के लिए मुझे थोड़ा वक्त दो। And you too, get your eyes together. अंदर कोई झगड़ा नहीं चाहिए, चलो अंदर। इशिता? रबिन, 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 एक एक लड़की है, वो बहुत तकलीफ में, रबिन उस पे किसी ने अटैक किया है, उसे कोई मार देगा, प्लीज चलो ना मेरे साथ। अरे पर किसके यहाँ जाना है तुम्हें, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? रबिन जस्ट लिसन टू मी, शी नीड्स अस, उस पे कोई अटैक कर रहा है, रबिन उसे कोई मार देगा, जस्ट कम ना, कम विद मी। किसकी बात? इनफैक्ट मेरे पास उसका एड्रेस भी नहीं है। तुम सोनाक्षी, सोनाक्षी गुप्ता ना? आरुषि, आरुषि सोनाक्षी की जुड़वा बहन। प्लीज इसके लिए डॉक्टर बुलाएगा जल्दी, इसे कैबिन में लेके चले रमन। रमन आप आरुषि को कैसे जानते हो? लंदन में जब इशिता तुमने मुझे सोनाक्षी की ऑपर्चुनिटी दिखाई तब मुझे स्ट्राइक नहीं हुआ, लेकिन अब यहाँ तुम्हें देखा तो याद आया कि तुम्हारी बहन आई थी मेरे पास जॉब प्लेसमेंट के लिए और सोनाक्षी को मैं प्लेसमेंट नहीं दे पाया था क्योंकि वो क्वालिफाइड नहीं थी, शी वाजंट क्वालिफाइड इनफ फॉर द जॉब और ना ही जॉब रिक्वायरमेंट्स के लिए वो फिट बैठ रही थी। तब उसने बताया था उसे नौकरी चाहिए बिकॉज कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स होती है, शायद तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं थी तब। कहीं ऐसा तो नहीं था कि लंदन में तुम्हें आरुषि दिखाई दे रही थी और तुम्हें सोनाक्षी लगी? इट्स कॉम्प्लिकेटेड रमन, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं ना प्लीज। ओके, लेकिन जस्ट सोनाक्षी का डॉक्टर सवाल आई डॉक्टर। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।